आप देख रहे हैं एजे क्यू अर्ब न्यूज, नया सवेरा नई खबरों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से सऊदी अरेबिया की खबरों के बारे में कितनी हकीकत है, इस पर हम तफसीलात से बात करेंगे। और लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने राय से आगाह करें, और नई वीडियो की अपडेट्स के लिए बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो अब हम बात करते हैं, ये जो बातें गर्दिश कर रही हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया से मुतल्लिक गैर मुल्कियों की वापसी के लिए, इसमें कितनी हकीकत है। तो ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से सऊदी अरेबिया वापसी के आने के बाद में कोई भी गलत खबर नहीं है, ये एकदम हकीकत खबर है। और बहुत सारे लोग, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, वीडियोस भी देख चुके होंगे कि लोग आ भी रहे हैं, और स्टार्टिंग में जो लोग आए थे शुरू में, उन लोगों के लिए थोड़ा आसान था। वो लोग तुरखम से अफगानिस्तान बॉर्डर से होकर बहरी रास्ते से आए हैं, ज़मीनी रास्ता इस्तेमाल करके आए हैं, लेकिन अभी उस रास्ते को बंद कर दिया गया क्योंकि कोरोना के हालात को पेश मद्देनज़र रखते हुए अफगान हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है। अब यहाँ पर जो हमारे गैर मुल्की पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में अभी फंसे हुए हैं और वापस आना चाहते हैं, अपने काम, अपने रोज़गार पर वापस आना चाहते हैं, अब वो लोग इस चीज़ से परेशान हैं कि उन लोगों को एजेंट्स के पास जाना, एजेंट्स के पास से जाके इंफॉर्मेशन लेना, और जैसा कि अभी एजेंट्स जो हैं वो सारे पूरी तरह से बाखबर हो चुके हैं इस चीज़ से, तो वो लूट मार या ज़्यादा पैसे को जो है वो चार्जेस कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों से यही कहूँगा कि देखें, आप किसी की बातों में भी मत आएँ, बहुत आसान तरीके हैं और उनको फॉलो करें। आप लोग अपना सबसे पहले वीज़े का जो प्रोसीजर है, अगर आपका वीज़ा वैलिड है तो आप अफगान कौंसलेट में जाकर वहाँ से अपना वीज़ा कराएं, और वीज़ा कराने के बाद में आप टिकट लें अफगानिस्तान का, और अफगानिस्तान जाकर आप वहाँ पर जाकर होटल में स्टे करें, जैसा कि बहुत सारी वीडियोज़ में लोग बता भी चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान में एजेंट्स हैं तो वो आपको क्या कहेंगे कि जी आप जा रही हैं तो आप वापसी का भी कराएं, क्योंकि अगर वहाँ पे हालात ख़राब हो गए तो आपको वापसी भी आने का आपके पास ज़रिया होना चाहिए। तो ये आप लोगों से एक दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग किसी की बातों में मत आएँ। आप लोग जब इमिग्रेशन क्लियर करेंगे तो वो लोग आपसे पूछेंगे कि आपके पास वन वे फ़्लाइट है और टू वे फ़्लाइट है, तो आप उनको बता सकते हैं जी मेरे पास वन वे फ़्लाइट है। तो आप वहाँ पर क़याम करें जितने टाइम तक आप क़याम कर सकते हैं, 15 डेज़ तक के लिए क़याम करना होता है, उसके बाद में PCR टेस्ट करवाना होता है, जैसे कि कानून भी है, तो कोरोना टेस्ट जिसको कहते हैं, वो कोरोना टेस्ट कराने के बाद में आपका जब क्लियर हो जाएगा तो आपने वहाँ पे फिर क्या करना है, अपनी टिकट परचेज़ कर लेनी। अभी वो वहाँ पे टिकट परचेज़ वहाँ पे क्यों कर रहे हैं आप, वहाँ पे टिकट आप इसलिए परचेज़ कर रहे हैं अब वहाँ पे, इसलिए क्योंकि अल्लाह ना करे नकलो हरकत में अगर आप कोरोना से मुतासर हो जाते हैं और वहाँ पे PCR जो रिपोर्ट है आपकी पॉजिटिव आ जाती है, तो फिर आपके लिए नुकसान होगा क्योंकि रिफ़ंड नहीं होंगी। ऐसे हालात में एयरलाइंस टिकट्स रिफ़ंड नहीं करती हैं, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस टाइम में आप जैसा कि जानते हैं कि टिकट्स जो सी हैं वो आसमान को छू रही हैं, उनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा नुमाया इजाफ़ा नज़र आ रहा है। तो इस चीज़ को जहन में रखें आप लोग, और अल्लाह भी भरोसा करते हुए जाएं। जैसा कि बहुत सारे लोग, हम लोग सऊदी अरब में रहते हैं तो देख चुके हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं और उनको कोई भी किसी किस्म की कोई मुसीबतों का या तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत से वो लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को ये इस बात की यकीन दहानी करा सकूँ कि आप लोग किस तरह वापसी के ज़रिए को आसानी और बेहतरी से वापसी के सफ़र को बना सकते हैं। बस आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा अपना सेल्फ नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए, अपने ज़रियों को इस्तेमाल करते हुए वापसी आने के ज़रियों को यकीनन बनाएं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी इस चीज़ में मदद करेगा, क्योंकि आप लोग अपने बच्चों का रोज़गार देख रही हैं, तो
तो उसके लिए ये सब आप तगोदो कर रही हैं। तो आप लोगों से गुजारिश यही है कि आप लोग ख़ुद आगे निकलकर सारे अपने मामलात को क्लियर करें, इंशाल्लाह कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ये हौसले के लिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को इस चीज़ से हौसला मिल सके। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी कोई नई खबर के साथ मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो बना के लेके आऊँगा ताकि आप लोगों को उससे फ़ायदा हासिल हो सके। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आप लोगों को हकीकतन जो लोगों के साथ पेश आए हुए मामलात हैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, ना कि मैं क्या सराइयों पर बनाऊं कि ये जी ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ, क्योंकि मेरे यहाँ पर कुछ जानने वाले कुलीग्स भी आए हैं, तो इसलिए मैं ये पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है जी, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।